नमस्कार, मॉर्निंग 100 માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પંકજ. સમાચારોનો સિલસિલો શરૂ કરીએ. ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસે મચાવ્યો હાહાકાર. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 12,064 કેસ નોંધાયા. એક જ દિવસમાં 119 દર્દીઓના કોરોનાથી મોત. રાજ્યમાં કુલ 1,46,385 એક્ટિવ કેસ, જેમાંથી 775 વેન્ટિલેટર પર. 1,45,610 દર્દીઓની હાલત સ્થિર. રાજ્યમાં કુલ 8,154 દર્દીના મોત. अमदावाद जिला में कोरोना की हाहाकार. 24 कलाक में 3,837 दर्दियों कोरोना की संक्रमित थया. एक ज दिवस में 17 दर्दी बनया कोरोना नो कोड़ियो. सूरत में कोरोना 24 कलाक में नवा 1,209 केस नोंधाया. 12 दर्दी निपजा मौत. सूरत शहर में 903 केस. ग्राम्य विस्तार में 306 दर्दी कोरोना पॉजिटिव. देश में कोरोनाए अत्यार सुधीना तमाम रेकॉर्ड तोड़ा. देश में प्रथम वक्त एक ज दिवस में 4,197 दर्दियों ना मौत. 4,01,228 नवा केस. स्पुतनिक वी नी लाइट वर्जन वैक्सीन नो एक ज डोज लेवाथी कोरोना सामे रक्षण मळतुं होवानुं तारण. केन्द्रीय आरोग्य मंत्रालये कह्युं, दावानी थई रही छे चकासणी. दावो साचो ठरशे तो बेवड़ी गतिथी थई शकशे रसीकरण. अमदावाद माटी राहतना समाचार. 1200 बेडनी सिविल हॉस्पिटल में एम्ब्युलेंसनी लाइट लाइन जे छे घटी. थोड़ा दिवस पहला 100-150 एम्ब्युलेंसनी दर्दीओनी भर्ती करवा माटे लागती हती कतारो. 1200 बेडनी सिविल में गुरुवारे 150 जेटला दर्दीओने भर्ती करवामां आव्या. 1200 बेडनी हॉस्पिटल सहित मेडिसिटीनी कुल 6 हॉस्पिटलों में 2300 दर्दीओ दाखल थया. 10 वधु वेंटिलेटर पर पण खाली हता. अमदावाद सिविल हॉस्पिटल में एकाएक 108 नू वेटिंग ओछू जोवा मळ्यु. बीजी तरफ मणिनगर ना फूटबॉल ग्राउंड में करवामां आवता आरटीपीसीआर नी लाइन में पण ओछी भीड़ जोवा मळी. तो राजकोट शहर माटे पण राहतना समाचार. कोरोना केस में सतत घटाड़ो जोवा मळ्यो. चौधरी हाईस्कूल मैदान खाते एम्ब्युलेंस तेमज खानगी वाहनों की कतारों जोवा नथी मळती. केस घटता कोरोना दर्दियों ने मळी छे तात्कालिक सारवार. लोकोने लाइन में उभा नथी रहेवू पड़तू. तंत्र द्वारा चौधरी हाईस्कूल मैदान खाते 200 बेडनी ऑक्सिजन युक्त सुविधा उभी करवानो निर्णय मौकूफ. एक बाजु केस घटया तो केटलीक जग्याए लोको बेदरकार जोवा मळ्या. दाहोदना धानपुरमां लग्न प्रसंगमां पोलीसनी रेड. सोशियल डिस्टन्सना धजागरा. 500 करता वधु लोको भेगा थता पोलीसे करी कार्यवाही. कोरोना बेफाम थयो होवा छता अमदावादना खोखरामां एक जान निकळी होवानो वीडियो सामे आव्यो. जयंतीलाल वकीलनी चालीमांथी निकळेली जानमां वरराजा खुल्ली जीपमां ठाठथी निकळेला देखाया. वरराजानी जीप आगळ डीजे वागतुं पण देखायुं. लोको डांस करता पण नजरे पड्या. सरकारे 50 माणसनी परवानगी आपी होवा छता वरघोड़ामां 100 लोको देखाया. आ तरफ अमदावाद में पण अंतिम यात्रा में 100 वधु लोकोना टोळा जोवा मळ्या. ननामी लईने जता हता ते समय लोकोना टोळा देखाया. एटलू ज नहीं, लोकोए रीतसर रिवाज मुजब ननामी रस्ता पर फेरवी फटाकड़ा पण फोड्या. मुख्यमंत्री रूपाणीए गुजरात में कोरोनानी स्थिति सुधरती होवानो मत व्यक्त कर्यो. राज्य में सौना सहयोगथी 1,00,000 वधु बेडनी सुविधा, ऑक्सिजन तेमज 57,000 आईसीयू बेडनी सुविधा उभी थई होवानी वात करी. तापी में एक सगर्भा महिला हॉस्पिटल बहार 3 कलाक सुधी रजड़ी. महिला नु ऑक्सिजन लेवल घटता तेने व्यारानी हॉस्पिटल में लई जवामां आवी. जो कि सगर्भा महिला ने हॉस्पिटल में दाखल न कराई. सूरत ना रांदेर विस्तार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काड़ाबजारी पकड़ाई. 18 जणनी मालविया हॉस्पिटल की महिला कर्मचारी 3 इंजेक्शन साथ पकड़ाई. वडोदरा में वधु एक वार ऑक्सिजन माटे कतारो. नवलखी मैदान में ऑक्सिजन माटे वाहनों की लाइन. नवलखी फिलिंग स्टेशन प्लांट खाते लाइन लागी. आजे वडोदरा में 7 टन ऑक्सिजन की घट. हिम्मतनगर सिविल में जोवा मळी एम्ब्युलेंस की लाइन. 15 वधु 108 अने 55 वधु खानगी वाहनों की कतार जोवा मळी. लोको 108 तेमज जमीन अने खाटला पर सारवार लेता जोवा मळ्या. हिम्मतनगर कोरोना दर्दियों सिविल हॉस्पिटल बहार ज सारवार लेवा मजबूर बन्या. हॉस्पिटल में बेड खाली न होवाथी हॉस्पिटल की बहार वाहनों में अपाई रही है सारवार. 400 बेडनी हॉस्पिटल छे फूल. भावनगर ना ग्राम्य विस्तारों में कोरोना केस वधता 5 गामों ने संपूर्णपणे कंटेनमेंट जोन तरीके जाहिर कराया. कलेक्टरे जाहिरनामु बहार पाड़ी गामों ने कंटेनमेंट जाहिर कर्या. बनासकांठाना आसेडा गाम में सरपंच सहित युवा टीमें शाळा में ज दर्दियोंनी सारवार शुरू करावी. दर्दियोंनी संख्या सतत वधता शाळाना एक एक रूम में 7-8 खाटला गोठवी देवाया.
जूनागढ़ सिविल हॉस्पिटल में बे कोरोना संक्रमित कैदी फरार, बाथरूम की जाड़ी तोड़ी पाइप ना सहारे नीचे उतरी ने फरार, कैदियों ने पकड़वा नाकाबंदी कराई। कोरोना ना कहर वच्चे अमदावाद में आवेलू जीवन संध्या वृद्धाश्रम लॉकडाउन जाहिर करायू, बाहर थी आवता लोको माटे आश्रम में प्रवेश बंदी, अंदर रहता वृद्धों ने बाहर जवा देवामां नथी आवता। तबीब शिक्षक एसोसिएशने सरकार साथे बैठक बाद प्रतीक उपवास समेटी लेवानी करी जाहेरात, गृह राज्यमंत्री ना आश्वासन बाद हड़ताल समेटाई, पड़तर मागणियों ने लई योजाई हती बैठक। वडोदरा एसएसजी हॉस्पिटल ना लैब टेक्निशियन नू डीन अने सुप्रिंटेंडेंट ने आवेदन पत्र, कायमी करवानी मांग साथे रजूआत करी, 8 वर्ष वीत्या छतां नथी कर्या कायमी, मांग नहीं संतोषाय तो हड़ताल पर उतरवानी चीमकी। तबीबी शिक्षकों बाद हवे लैब टेक्निशियनों अने लैब आसिस्टंटनी हड़ताल नी चीमकी, कायमी करवानी मांग सहित अन्य पड़तर मांगणियों, मांगणी नहीं संतोषाय तो आगामी 17 मे थी अचोक्कस मुदतनी हड़ताल नी चीमकी। राजकोट सिविल हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट राधेश्याम त्रिवेदी म्यूकरमाइकोसिस वधता केस मामले निवेदन, सिविल हॉस्पिटल में अलग 30 बेड वोर्ड उभो करायो, कोरोना पॉजिटिव दर्दी ने असर थाय तो सारवार अपाशे। अमदावाद में कोरोना वॉरियर संक्रमित थता इंस्टिट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में दाखल थया हता, हवे तमाम साजा थता हॉस्पिटल स्टाफे भव्य विदाय आपी, तिलक अने फूलहार करीने विदाय आपी। दाहोद में सुखसर सामूहिक आरोग्य केन्द्र में दर्दीना परिवार नो होबाड़ो, दर्दीना सारवार दरमियान मौत थता परिवारे रोष ठालव्यो, लेबोरेटरीना कांच पण तोड्या, पोलीसे स्थळ पर पहोंची मामलो थाळे पाड्यो। साणंद में ऑक्सिजन साथ 35 बेड कोविड सेंटर करायु शुरू, जेमा केटलाक लोको स्वस्थ थईने डिस्चार्ज थया, गाम में योद्धा कमिटी बनावी लोको में जागरूकता फैलाववा पण प्रयास। पाटणना धारपुर में कोरोना केस वध्या, धारपुर कोविड हॉस्पिटल में वधु 50 बेड की व्यवस्था कराई, ऑक्सिजन की सुविधा साथ 50 बेड शुरू कराया, हॉस्पिटल ने रोजनो मळे छे 20 टन ऑक्सिजन। અરવલીના શિણાવાડ પીએચસી માં આઇસોલેશન વોર્ડ શરૂ કરાયો, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલની અસર, 8 બેડ સાથે આઇસોલેશન વોર્ડ શરૂ, અહેવાલ બાદ નવો સ્ટાફ પણ ફાળવાયો। નર્મદા જિલ્લામાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થતા જિલ્લાની વહીવટી ટીમ લાગી કામે, 100 બેડની જગ્યાએ 200 બેડ કરવામાં આવ્યા, સાથે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટિંગ લેબ શરૂ કરવામાં આવી। आ साथे 500 ऑक्सिजन सिलिंडर नवा लावामां आव्या, जेथी जरूरियातमंद ने ऑक्सिजन मळी रहे, पहला ऑक्सिजन ना अभावे दर्दियों ने वडोदरा रिफर करवामां आवता हता। दाहोद जिल्लाना गामोना कोविड केर सेंटरनी राज्यमंत्री बच्चूभाई खाबड़े मुलाकात करी, दर्दियों ने हालाकी न भोगवी पड़े ते माटे अधिकारियों ने आपी सूचना, दाहोद में 747 गामों में छे कोविड केर। पंचमहालना सुरेली ग्राम पंचायतना सरपंचनी मोटी जाहेरात, गामना 18 थी वधु वय धरावता लोकोए वेक्सिनना 2 डोज लीधा हशे, एनो वर्ष 2021-22 में वेरो कराशे माफ। अरवलीना मोड़ासा अर्बन हेल्थ सेंटर में फरी एक बार कोरोना रेपिड टेस्ट किट खूटी पड़ी, मात्र 25 किट ज अपाता अनेक लोको परेशान थया, कलाको गर्मी में उभा रही लोकोने परत फरवू पड़ी। नर्मदा जिल्लाना राजपीपळामां आदिवासीओमां हजु पण रसीने लईने भारे भ्रम, मोटाभागना आदिवासीओए रसी लीधी नथी, तेओ एवुं माने छे के रसी लेवाथी मरी जवाशे। कोरोनानी चेन तोड़वा लोकोने मास्क पहेरवा सतत अपील, आरोग्य विभागे मोरबीमां पपेट शोनो वीडियो बनाव्यो, तमाम नागरिकोने मास्क पहेरवा माटे अपील कराई। अमदावाद में आजथी तमाम ऑप्टिकल शॉप खुली जता अमदावादियों ने हाशकारो थयो, चश्मानी दुकान बंद होवाने कारणे अत्यार सुधी घणा लोको थई रह्या हता परेशान। राजकोट में लॉकडाउन मुद्दे वेपारीओनो विरोध, केटलाक वेपारीओ संपूर्ण लॉकडाउनना समर्थन में, अन्य वेपारीओ दुकान खोलवानी मांग करी, आर्थिक स्थिति नबळी होवाथी वेपारीओ में रोष। पंचमहालना मोरवा हड़फना संतरोड़ना वेपारीओनो निर्णय, 3 दिवस सुधी स्वैच्छिक लॉकडाउन, वधता संक्रमण ने अटकाववा लीधो निर्णय। मंदिर 25 मे सुधी बंद रहेशे, भक्तों माटे मंदिर बंद रहेशे, कोरोना ने कारणे मंदिर ट्रस्टनो निर्णय। कोरोना में खेड़ानी मध्यस्थ सरकारी बैंके मदद आवी छे, बैंके 1 करोड़ 20 लाख नुं दान कर्युं, ऑक्सिजन प्लांट अने आधुनिक एम्ब्युलेंस माटे कर्युं दान। लक्ष्मीनारायण युवक मंडळ गोधरा द्वारा निःशुल्क टिफिन सेवा शुरू कराई, 70 થી વધુ युवक युवती पोताना रोजिंदा काम साथे कोरोना दर्दियों सुधी पहोंचाड़े छे भोजन, रोजना 300 જેટલા ટિફિન પહોંચાડીને આપે છે સેવા।
રાજકોટના ત્રંબા ગામે રહેતા પૂર્વ સરપંચે કોરોના કાળમાં કરી સેવા. મુરજીભાઈ ખૂંટે મફતમાં સ્મશાનમાં ફરજ બજાવી માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાના સૂત્રને ચરિતાર્થ કર્યું. બહુચરાજી શંકલપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ડોક્ટર મિલાવ પટેલ ખરા અર્થમાં કોરોના વોરિયર સાબિત થયા. માતા પિતા કોરોનાથી સંક્રમિત હોવા છતાં સતત 5 દિવસથી કોવિડ હોસ્પિટલમાં બજાવી રહ્યા છે ફરજ. આણંદની શ્રીકૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દીઓનો ભારે ધસારો. દર્દીના પરિવારજનો માટે વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિરે નિઃશુલ્ક ટિફિન સેવા શરૂ કરી દરરોજના અંદાજે 2000 ટિફિન પહોંચાડી કરી રહ્યા છે સેવા. દ્વારકા જિલ્લાના ખાણ ખનીજ વિભાગે 3,55,00,000ની કોરોના માટે સહાયની જાહેરાત કરી. કોરોના સામે લડવા જરૂરી વિવિધ સામગ્રી માટે મદદની કરી જાહેરાત. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ અને તેમના સ્વજનો માટે શહેર અગ્રણીઓની અનોખી સેવા. સિવિલ બહાર નાસ્તો, પાણી, ચા અને જમવાની સુવિધા. સાંસદ રામભાઈ મુકરિયાએ કરાવ્યો સેવાનો પ્રારંભ. સુરતમાં યોગી ચોક આઇસોલેશન સેન્ટરમાં સંગીત સાથે લોકો ગરબે ઝૂમ્યા. દર્દીઓના તણાવને દૂર કરવા આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો. પીપીઈ કીટ પહેરી દર્દીઓનું મનોરંજન કરવામાં આવ્યું. સીએમના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય. કોવિડ સારવારના અદ્યતન સાધનો ખરીદવા રાજ્યના દરેક ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી ઓછામાં ઓછા 50,00,000 ફાળવવાના રહેશે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો. પેટ્રોલમાં 41 પૈસા અને ડીઝલમાં 47 પૈસાનો વધારો. પેટ્રોલનો ભાવ 88.37 અને ડીઝલનો ભાવ 88 રૂપિયા થયો. પશ્ચિમ બંગાળમાં હિંસાને લઈ ભાજપનો વિરોધ. વલસાડમાં ભાજપે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. બંગાળમાં હિંસામાં જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ. પશ્ચિમ રેલવેએ અમદાવાદ આવતી જતી ટ્રેનને લઈને લીધો નિર્ણય. પ્રવાસીઓની સંખ્યા ઘટતા 14 ટ્રેન રદ કરી 6 ટ્રેનની ફ્રીક્વન્સી ઘટાડવામાં આવી. કોરોનાને લીધે ટ્રેનમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા ઘટી. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. રાજ્યમાં 17 મે બાદ આકરી ગરમી પડશે. 17 મે બાદ 44 ડિગ્રી તાપમાન પહોંચી જશે. મે મહિનાના અંતમાં વાવાઝોડા સક્રિય થશે. ખાતરમાં વધેલા ભાવ વધારાને લઈ ખેડૂતો પરેશાન. સામાજિક કાર્યકર સાથે મળીને ખેડૂતોએ શરૂ કર્યા ધરણા. ખેડૂતોના દેવા માફી અંગે પણ કરી માંગ. રાસાયણિક ખાતરોમાં થયેલ ભાવ વધારો પરત ખેંચવા રજૂઆત. મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન અને ક્યુબકોના ડિરેક્ટર પ્રધાનમંત્રીને કરી રજૂઆત. કચ્છમાં ઉનાળા પાકના વાવેતરમાં વધારો થયો. ગત વર્ષની તુલનાએ આ વર્ષે વધારો. જિલ્લામાં અંદાજે 28,655 હેક્ટરમાં વાવેતર કરાયું. ગત વર્ષે હતું 27,000 હેક્ટર વાવેતર. ગીર સોમનાથમાં નાળિયેરના ભાવમાં વધારો. નાળિયેરની માંગ વધતા નાળિયેરના ભાવ 60 થી 80 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. આણંદની અમૂલ ડેરીએ પશુપાલકોના દૂધના ખરીદ ભાવમાં વધારો કર્યો. પ્રતિ લીટર ખરીદ ભાવ 1.54 રૂપિયાનો વધારો. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં હુબાળો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ દુકાન પર પથ્થરમારો કર્યો. દારૂની મહેફિલ કરતા લોકોને ટકોર બાદ બબાલ. મુટલેગરોના માણસોએ પથ્થરમારો કર્યો. પોલીસ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી. રાજકોટમાં પિતાએ બાળકોને ઝેર પીવડાવવાના કેસમાં એસઓજીને તપાસ સોંપાઈ. વકીલ આરડી વોરા અને દિલીપ કોરાટ વિરુદ્ધ પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો. નર્મદાના રાજપીપળામાં પબ્લિક હોસ્પિટલના બોગસ ડોક્ટર ભાવેશ સામે ફરિયાદ. અત્યાર સુધીમાં 200થી વધુ દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે ચેડા કર્યાનો આરોપ. તબીબને પકડી પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી. દ્વારકામાં ઘરમાં એકમાત્ર કમાતા વ્યક્તિનું કોરોનાથી મોત થતા પરિવારના 3 સભ્યોનો આપઘાત. પતિના મોત બાદ પત્ની અને 2 પુત્રોનો સામૂહિક આપઘાત. ઝેરી દવા પીને પરિવારે મોતને બહાલું કર્યું. અમદાવાદમાં 22 વર્ષના યુવક તેના ઘરમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો. ઘોડાસરની અમન હોસ્પિટલમાં કરતો હતો કામ. સમગ્ર મામલે પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. 19 વર્ષીય યુવતીની તીક્ષ્ણ હથિયારથી હત્યા. યુવતીના 23 મેના રોજ થવાના હતા લગ્ન. પિતા અને કાકાની જમીન મુદ્દે ચાલતી હતી બબાલ, જેને લઈને હત્યા થયાની માહિતી. મોરબીના હળવદમાં નર્મદા કેનાલમાં એક યુવાન ડૂબ્યો. તરવૈયાઓએ કેનાલમાંથી ડૂબેલા વ્યક્તિના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો. લાખોની ચોરી થઈ ગઈ. કારખાનામાં કામ કરતો રત્નકલાકાર જ 35 લાખના હીરાની ચોરી કરીને ફરાર. ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં થઈ કેદ. અમદાવાદમાં ચોરીના ગુનામાં વેજલપુર પોલીસે 7 આરોપીની ધરપકડ કરી. જોહાપુરામાં જ્વેલરી શોપમાં 3,40,000ની થઈ હતી ચોરી. પોલીસે 2 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. સુરતના સચિન વિસ્તારમાં દારૂના વેચાણનો વિડીયો વાયરલ. વિડીયો વાયરલ થતાં પોલીસ દોડતી થઈ. અગાઉ પાંડેસરા વિસ્તારનો દારૂના વેચાણનો વિડીયો થયો હતો વાયરલ.
गंभीर बीमारी थी पीड़ाता 5.5 महीना धैर्यराज ने अमेरिका थी 16 करोड़ इंजेक्शन लावी ने लगाड़वामां आव्युं। जोर्गेन्स मां नामनुं इंजेक्शन अपाता हवे धैर्यराज जोखम थी बहार। समाचारोनो प्रवाह लगातार जारी रहेशे, हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे, अपेक्षाओं थी आगळ वधीए तो पसंदगी सरल बने। आपणो गुजरात काले पण हतुं, आजे पण छे, गुजरातीओना दिलनी पसंद। दररोज सांजे 6:56 कलाक अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे, अपेक्षाओं थी आगळ वधीए तो पसंदगी सरल बने। आपणो गुजरात काले पण हतुं, आजे पण छे, गुजरातीओना दिलनी पसंद। दररोज सांजे 6:56 कलाक अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे, अपेक्षाओं थी आगळ वधीए तो पसंदगी सरल बने। आपणो गुजरात काले पण हतुं, आजे पण छे, गुजरातीओना दिलनी पसंद। दररोज सांजे 6:56 कलाक अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे, अपेक्षाओं थी आगळ वधीए तो पसंदगी सरल बने। आपणो गुजरात काले पण हतुं, आजे पण छे, गुजरातीओना दिलनी पसंद। दररोज सांजे 6:56 कलाक अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे, अपेक्षाओं थी आगळ वधीए तो पसंदगी सरल बने। आपणो गुजरात काले पण हतुं, आजे पण छे, गुजरातीओना दिलनी पसंद। दररोज सांजे 6:56 कलाक
अपेक्षाओं पर खरा ना उतरो तो विकल्प नजर आवे। अपेक्षाओं थी आगल वधिए तो पसंदगी सरल बने। आपनो गुजरात काले पण हतू आजे पण छे। गुजरातीओना दिल्ली पसंद दररोज सांजे 6:56 कलाक। वेलकम बैक। समाचारों में आगळ वधी, राजस्थान गुजरात वच्चे तमाम सरहदों कराई सील। राजस्थान में 14 दिवसना संपूर्ण लॉकडाउन ना पगले निर्णय, तमाम लग्न प्रसंगों पर पण प्रतिबंध। 31 मे सुधी राजस्थान में लग्न प्रसंगों पर प्रतिबंध। राजस्थान थी गुजरात में जान आवी के जई नहीं शके, आवश्यक सेवाओं सिवाय संपूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लागू, 10 मे थी 24 मे सुधी संपूर्ण लॉकडाउन। तमाम परिवहनों की अवर जवर पर प्रतिबंध, एक गाम थी बीजा गाम के शहर जवा पर प्रतिबंध। हवे गोवा में प्रवेश करवा माटे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट फरजियात, 10 मे थी लागू पड़े नियमों। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच नो राज्य सरकार ने आदेश। उत्तर प्रदेश में कड़क लॉकडाउन लागू, 10 मे सुधी लागू है लॉकडाउन। मुरादाबाद में लोग कर रहा है नियमों पालन। उत्तर प्रदेश ना रामपुर में रात्रि ना समय लोगों ने अनेक वाहनों ने पकड़ा, लॉकडाउन में रात्रि फरता लोगों ने दंड फटकारियों, जिला एसपी खुद तपास में जुड़ाया। आगरा में कोरोना नो कहर बढ़ता, तंत्र एक्शन में, लोगों ने घर में रहवा अपील करी, मात्र जरूरी चीज वस्तुओं की दुकानों खुली रहेशे, तमाम जगह बंद नो ऐलान। उत्तर प्रदेश ना नोएडा में सिक्योरिटी वधारवामां आवी, कोरोना ने कारण पुलिस लोगों ने करी रही है तपास, जरूर वगर फरता लोगों सामे कार्यवाही। उत्तर प्रदेश ना प्रयागराज में लोग बेदरकार बनया, नियमों नथी करी रहा पालन, मास्क वगर फरी रहा छे लोको। केरल में 8 मे थी 16 मे सुधी संपूर्ण लॉकडाउन लागू, राज्य ना मुख्यमंत्री करी जाहरात, कोरोना ना वधता केस ने लई सरकार नो निर्णय। कोरोना ने लई इम्फाल में सखत बनी पुलिस, कड़क नियमों ना कारणे रस्ताओ सुमसाम दिखाया, जरूर वगर फरता लोगों ने दंड फटकारे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस की तपास, कोरोना ना केस बढ़ता, जिला एसपी खुद तपास में लाग्या, बॉर्डर थी आवता जता तमाम वाहनों की तपास। जेल में कोरोना की स्थिति ने लई सुप्रीम कोर्टे व्यक्त करी चिंता, कोर्टे कहू मोटा भागना जेल कैदियों थी भरायेला है, तो वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्वे कहू के कैदियों ने जामीन पर छोड़ी मुकवा जुए। अमेरिकाना चीफ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची की सलाह, भारत में लॉकडाउन लगाड़वानी आपी सलाह, सीएनएन न्यूज 18 की डॉक्टर एंथनी फाउची साथे खास बातचीत। कोरोना की चेन तोड़वा लॉकडाउन जरूरी होवानो फाउची नो मत, 2-3 के 4 सप्ताह लॉकडाउन पर डॉक्टर फाउची मुक्यो भार, तो साथ ही वधुमां वधु रसीकरण पर भार मुक्यो। कोरोना रसी ने लईने आरोग्य विभाग नो निवेदन, केन्द्र सरकारे राज्यों अने संघ प्रदेशों ने 17,35,00,000 रसी ना डोज आप्या, 90,00,000 थी वधु डोज हजू पण राज्यों अने संघ प्रदेश पासे उपलब्ध। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस ना सांसदों साथे बैठक, कोरोना ने लई सांसदों साथे चर्चा विचारणा, सांसदों ने पोताना मत विस्तार में कोरोना अंगे करेली कामगीरी ने रिपोर्ट आपवा जणाव्युं। तो आ बुलेटिन में अत्यारे आटलुं ज, नमस्कार।